वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में। पहला हमें इंट्रोडक्शन हो गया है जिसमें हमने अच्छे से देखा है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या वर्किंग नोट, कौन से वर्किंग नोट बनानी है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनानी है, क्यों बनानी है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हम निराली पब्लिकेशन ये बुक से फॉलो करते हैं, ये बुक को फॉलो करते हैं। तो पेज नंबर 1.17 प्रैक्टिकल नंबर 1 देखो आपके सामने है। हमेशा मैं कहती हूँ कि पहले क्वेश्चन समझ कर लो। अब वो कैसे समझेगा, तो पहले बैलेंस शीट समझ के लो, एग्जैक्टली क्या हुआ है ये समझ कर लो। ठीक है, सो विल स्टार्ट। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड ने 16,000 शेयर लिए है, किसके लिए है, बी लिमिटेड के। तो इधर ही हमें पता चलता है कि ए कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी, एंड बी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी। ओके, अब उसका वैल्यू क्या है, 10 ईच, इसका 10 रुपीज ईच है, बी कंपनी सब्सिडरी है। ठीक है, और कब हमने एक्वायर्ड किया है, 31 मार्च 2020, और बैलेंस शीट भी है 31 मार्च 2020। डेट पे बहुत ध्यान रखा करो क्योंकि हमें प्री एंड पोस्ट जो हम प्रॉफिट निकालेंगे तो वो बहुत जरूरी है ये डेट। तो हमने लिया भी एकदम एंडिंग, मतलब जब खत्म हुआ, लास्ट डेट को हमने एक्वायर किया, गॉट इट। तो इसके पहले का जो भी प्रॉफिट वगैरह रहेगा बिफोर इनकॉर्पोरेशन, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आया, इधर ही हमको डिसाइड करना है डेट पे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक। हमने लास्ट मार्च, लास्ट डेट को लिया है, मतलब ये बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है ये लास्ट ईयर की है। अब ये साल की बैलेंस शीट, अंडरस्टूड। सो ये जो भी बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस मतलब बिफोर इनकॉर्पोरेशन, तो हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल प्रॉफिट। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट पढ़ो, अब क्या क्या असेट है, लायबिलिटी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की दी है उन्होंने, ए लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लान मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर बी लिमिटेड एट कॉस्ट। इसको सर्कल करके रखना है आपको, जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा ये आएगा ही। इसका मतलब क्या, ए लिमिटेड ने बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 3,40,000, गॉट इट। लेकिन शेयर्स कितने लिए है, 16,000, कितने रुपीस के, 10, मतलब 1,60,000 के शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, और इन्वेस्टमेंट कितनी की, 3,40,000 की। अंडरस्टूड, ये आपको सर्कल करके रखना है, ये आगे कैलकुलेशन के वक्त काम आएगा। ओके, बाद में स्टॉक दिया है दोनों का, डेटर्स दिया है, बिल रिसीवेबल इंक्लूडिंग 3,000, इसका मतलब ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, देखते क्या करना है। देन कैश है इन दोनों की। नाउ कम टू द लायबिलिटी, कैपिटल देखो इसका 5,00,000 है, इसका 2,00,000 था, लेकिन अब 2,00,000 में से क्या हो गया, 1,60,000 तो हमारे हो गए, मतलब ए के हो गए 1,60,000। Understood? तो B के कितने बचे फिर, 40,000 ओनली। तो इसे हम कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। धीरे धीरे जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा है लेक्चर, उनको पता होगा कि माइनॉरिटी मतलब क्या है, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनीज मतलब क्या, गॉट इट। ओके, चलो धीरे धीरे हम जाएंगे, आएगा समझ में। अब नेक्स्ट क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है 2,40,000, 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल यहाँ पे भी दिया इंक्लूडिंग 2,000, सो दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे भी बिल रिसीवेबल 3,000 है, यहाँ पे भी बिल्स पेबल 3,000, इंटर कंपनी मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसका डेटर्स तो वो क्रेडिटर्स हो सकता है ए का, बी का अगर क्रेडिटर्स है तो ए का वो डेटर्स है, ए का अगर क्रेडिटर्स है तो बी का वो डेटर्स है, इसे कहते हैं इंटर कंपनी एडजस्टमेंट। ठीक है, and finally they have a sundry creditors. Adjustment क्या क्या दिया है, director are advised that land and building of B limited are undervalued by 20,000. जो B limited की land and building है ये गलती से undervalued बताइए, हालांकि क्या बताना चाहिए था, 2,00,000 बताना चाहिए था, इसकी original value कितनी बतानी चाहिए थी, 2,00,000, but 1,80,000 बताया, तो 20,000 ये appreciation हो गया, got it. Next क्या दिया है, देयर असेट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड। देखो गलती हो गई ना, मतलब प्लांट एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बताया है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी क्या बताया, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा बताया है, मतलब ये कम होनी चाहिए, तो इसमें से 10,000 माइनस करेंगे,
तो एक्चुअल उनकी वैल्यू जो भी आएगी वो, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ 1,80,000 हम क्या लिखेंगे 2,00,000, जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तब, तभी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, ठीक है। एंड ये हम 10,000 से कम बताएंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स ए लिमिटेड इंक्लूड 12,000 बी लिमिटेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये इंक्लूड 12,000, देखो इसमें इंक्लूड है 12,000 किसके, बी के, तो इसके मतलब ए लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स है मतलब भी बी लिमिटेड के डेटर्स है। देखो ऑपोजिट होता है रिलेशन, अगर आप मेरे डेटर्स हो तो मैं आपकी क्रेडिटर्स हूँ, गॉट इट, सो इंटर रिलेशन। तो देखते हैं ये एडजस्टमेंट का क्या करना है। एंड फाइनली दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेट बैलेंस शीट 31 मार्च 2020। तो हमें क्या करना है अब, इनकी कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत सारा पहले काम करना है। क्या क्या करना है तो आपको स्टेप्स मैंने लास्ट टाइम दिया था कि हमें क्या क्या स्टेप्स करनी है, तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी बोला था आपको लिखने, ठीक है, नहीं लिखा लिया है तो अभी ये कहीं तो रफ में लिखो क्योंकि कंपलसरी लगने वाला है, हमें ये स्टेप वाइज ही जाना है। ये सब फाइंड आउट होने के बाद हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले अब हमारा काम होगा डिटरमिनेशन ऑफ द शेयर, मतलब सिंपल कि ए लिमिटेड का हिस्सा कितना है और अब बी लिमिटेड का हिस्सा कितना है, क्योंकि ए लिमिटेड कंपनी बन गई होल्डिंग कंपनी एंड बी लिमिटेड कंपनी बन गई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखो कैसे लिखना है, वर्किंग नोट 1 डिटरमिनेशन ऑफ शेयर, तो शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड। अब हमें ढूंढना है कि ए का बी में कितना हिस्सा है, सो अब ये फॉर्मूला याद रखो, शेयर एक्वायर्ड बाय द ए लिमिटेड, पहले बायर, बायर ने कितना एक्वायर्ड किया है, और डिवाइडेड बाय शेयर इश्यूड बाय बी लिमिटेड सेलर, क्योंकि ए ने एक्वायर्ड किया मतलब ए मतलब क्या, अब वो बायर हो गई ना, खरीदार हो गई, और किसने बेचा, बी ने बेचा, तो बी सेलर हो गई, मतलब ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी ने कितने एक्वायर किए शेयर, देखो ध्यान से, देखो पहली लाइन दी है और हमेशा देने वाले हैं, सो ए लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 एंड बी के एक्चुअल इश्यूड कितने थे, देखो यहाँ पे 2,00,000, उसकी ये क्या है ईच शेयर 10, तो एक जीरो कट करो तो नंबर ऑफ शेयर कितने बच गए 20,000, तो 16,000 अपॉन 20,000 मतलब 20,000 शेयर में से 16,000 के शेयर अब किसके हो चुके हैं, ए लिमिटेड के, तो इनका 30 गए, 30 कट करो, नाउ 4 4 16, 4 5 20, तो 4/5, तो ए लिमिटेड का हिस्सा कितना है 4/5, मतलब सिंपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अगर 5 चॉकलेट है तो वो 5 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट किसके होंगे, ए के, तो बी के कितने होंगे फिर, ऑफ कोर्स 1/5, डिनोमिनेटर सेम होता है ना 5 5, 5 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट ए के, तो 5 में से 4 गए तो एक ही बचा, तो 1/5 ये किसका हिस्सा है, बी का, गॉट इट, सो माइनॉरिटी इसका, इसलिए इसको इसको हमने क्या कहा है माइनॉरिटी, अब बी माइनॉरिटी में चला गया, अल्प संख्या कम हो गया अब इसकी संख्या, गॉट इट। सो इस तरीके से पहले हमें फाइंड आउट करना है, कंपलसरी ये स्टेप आपको पहले ही रहेगी, सो 4/5, अंडरस्टूड। चलो अब ये हो गया डिटरमिनेशन ऑफ शेयर, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनो, इसमें हमें सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना होगा, रेवेन्यू नहीं, क्योंकि इन्होंने एक्वायरी कब किया है, देखो 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट भी क्या है 31 मार्च 2020, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे रेवेन्यू है ही नहीं, रेवेन्यू मतलब क्या, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, कितना दिया रेवेन्यू, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, ये तो लास्ट ईयर का है क्योंकि बैलेंस शीट क्या है लास्ट ईयर की, मतलब प्री एक्विजिशन है ना, पोस्ट की कभी कभी देते हैं उन लोग की 30,000 प्रॉफिट हुआ है 40,000 हुआ है, तो तब हमको ये भी निकालना होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि आफ्टर पोस्ट इतना प्रॉफिट हुआ है, गॉट इट। तो हमें सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, इफ यू रिमेम्बर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो अब अगर याद रहेगा तो
इन कॉरपोरेशन के पहले जो भी मिलता था उसे हम कहते थे कैपिटल प्रॉफिट, अंडरस्टूड, जो डिविडेंड के लिए यूज नहीं होता है। और प्री सॉरी पोस्ट एक्विजिशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि रेवेन्यू प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं है। तो आज हमको ये सब में सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है? तो चलो कैसे निकालते देखते हैं, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगी हमें उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट। अब इसका मतलब समझ लो कि देखो, ए लिमिटेड ने तो अब बी पे कब्जा किया, तो अब ए का पूरी नजर बी के 1,20,000 पे है, जनरल रिजर्व पे है कि ऑफकोर्स है, क्योंकि अब तो कंट्रोल आ चुका है ए का। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे भी उसकी नजर है, 36,000, ठीक है? तो ये दो तो है। साइमल्टेनियसली एडजस्टमेंट भी थोड़ा सा पढ़ो। एडजस्टमेंट में भी उन्होंने बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो अंडर वैल्यूड थी ना, एक्चुअली वो अंडर वैल्यूड नहीं है, 20,000 इसका प्रॉफिट है हमें। और ये जो है ओवर वैल्यूड है ना, डेप्रिसिएट, ओवर डेप्रिसिएट, ये इसका थोड़ा सा लॉस है। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व लेना है। देखो ये स्टेप्स आपको बार बार याद रखनी है, अब हम दूसरे वाले स्टेप पे हैं। अब क्या ढूंढना है हमें, जनरल रिजर्व पहले 1,20,000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 36। देखो ए की पूरी नजर बी पे है, ये हो गया, इतना सारा हो गया। प्लस ये जो 20,000 ए प्रॉफिट ही है ना, एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ गई ना, तो इसे भी हम कैपिटल प्रॉफिट ही बोलेंगे। तो 20,000 ऐड, लेकिन इसकी वैल्यू घटी है, ओवर हो चुकी है। तो अब हमारा वक्त आ गया है कि इसको लेस करें, ओवर हो चुका है तो कम करना है, ठीक है? मतलब सिंपल, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, अंडर अंडर वेट है आप, बहुत ही दुबले हो, तो आप क्या करोगे, वजन बढ़ाने की कोशिश करोगे, मतलब ऐड करोगे। और ओवर ओवर वेटेड है तो आप क्या करोगे, वजन घटाने की कोशिश करोगे। तो सेम ही है, ओवर वैल्यूड रहेगा तो लेस करना है, और अंडर वैल्यूड रहेगा तो ऐड करना है। तो इस तरीके से पूरा कैपिटल कितना हो गया, 1,66,000। ए की पूरी नजर है कि यस 1,66,000 प्रॉफिट है, और ये सब कुछ मेरा है क्या? बिल्कुल नहीं, सब कुछ उसका नहीं है। अगर आपको याद रहेगा तो हमने पहले ही स्टेप में, ये स्टेप में निकाला है कि इसका शेयर कितना है, 4/5, और बी का शेयर कितना है, 1/5। तो 1,66,000 ये पूरा ए का नहीं है, ए का सिर्फ इतना है 4/5, और बी का अब कितना है बेचारे का, माइनॉरिटी में चला गया वो, तो 1/5। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट है वो हम क्या करने वाले हैं, दोनों में डिवाइड करने वाले हैं। किस में, इस रेशियो में। देखो डिवीजन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि पूरा के पूरा एक्वायर नहीं किया है इसने, मेजोरिटी शेयर पूरे नहीं लिए है, अंडरस्टूड। इसका 4/5 और इसका 1/5, कैसे आया पता चला ना, मैंने सिखाया आपको। पांच चॉकलेट है, एज्यूम करो पांच चॉकलेट है, 3, 4, 5, उसमें से एक के कितने चॉकलेट है, 4, तो 4/5, कितना बचा, 1, तो बी के कितना चॉकलेट है, 1/5, 5 में से 1 च�कलेट, 5 में से 4 चॉकलेट, तो हो गया 4/5 एंड 1/5। अब कोई कमेंट बॉक्स में नहीं पूछेगा मिस ये कैसे आया, तो चलो 1,60,000 डिवाइड करो 4/5 में और 1/5 में। अब ये तो आपको आता है, कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर पे करो, अंडरस्टूड। तो ए का कैपिटल प्रॉफिट पे कितना हक है, 1,32,800, और बी का कितना हक है, 33,200। इसको हम कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और इसे हम कहेंगे गुडविल। अब ये याद रखना, ये अमाउंट हमको आगे काम आने वाली है, ठीक है? हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने सेकेंड वर्किंग नोट भी कर ली। फर्स्ट ये है कि शेयर्स कितना है, सेकेंड कैपिटल प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट भी दिया होता तो थर्ड वर्किंग नोट हमारी रेवेन्यू प्रॉफिट आती थी, लेकिन कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है इन्होंने कि पोस्ट प्रॉफिट कुछ है, तो फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, देखो ये हो गई 1, 2, 2, ठीक है? उसमें से हमने सिर्फ कैपिटल निकाला। अब हमें ढूंढना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, माइनॉरिटी मतलब किसका इंटरेस्ट, बी का, क्योंकि देखो ये 2,00,000 है, उसमें से अब बेचारे बी के सब कुछ नहीं है, बी के हाथ में सब कुछ नहीं है, रह गया अब बी के हाथ में सिर्फ, अब इसने 16,000, देखो इसने 16,000 शेयर लिए, तो बेचारे इसके पास कितने रह गए, 4,000,
ठीक है, तो देखते हैं अब ये बी कंपनी के पास क्या क्या बचा है, जायदाद में से क्या क्या इसको मिलता है, लेट्स सी। सो वर्किंग नोट 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहला इंटरेस्ट, अब शेयर्स, सब तो शेयर नहीं चले गए, देखो 2 लाख थे लेकिन उसमें से 2 लाख 10 रुपीज, मतलब 20,000 शेयर थे लेकिन उसमें से 16,000 तो ए ने ले लिया, लेकिन भैया बी के पास 4,000 तो है, तो 4,000 फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर, 4,000 × 10, तो 40,000 के तो है बेचारे के पास शेयर, ठीक है। प्लस अभी जस्ट हमने कैपिटल प्रॉफिट भी डिवाइड किया था, तो उसका देखो, देखो कैपिटल प्रॉफिट भी डिवाइड किया ना हमने अभी जस्ट पहले स्लाइड में, तो 33,200 है ना माइनॉरिटी, तो ये भी तो बेचारे को मिलेंगे, सो 33,200। तो अब टोटल कितना उसका माइनॉरिटी का शेयर है, मतलब बी को टोटल कितना अधिकार है, 73,200। अंडरस्टूड, ये शेयर बचे हुए और ये 32,000 जो दिए हैं वो कैपिटल प्रॉफिट के, तो 73,200, तो ये भी निकालना जरूरी होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमें फाइनली कंसोलिडेट बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। चलो स्लो स्लो जाओगे, एक बार आप 3-4 प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये वर्किंग नोट आप संभाल के रखो, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या है, फिर से देखो हमारी पर्पल वाली नोट कहाँ गई। ओके, सो डिटरमिनेशन हो गया, कैपिटल हो गया, माइनॉरिटी भी निकाला, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब एग्जैक्टली कितने में इन्हें कंपनी गेन हो गई, मतलब डील अच्छी हुई या नहीं। अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो गुडविल कहेंगे डील अच्छी हो गई, निगेटिव में आ गया तो डील लॉस में हो गई। देखते हैं अब कैसे, देखो अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन के पहले ये आपको सर्कल करके रखना है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 3,40,000, ये पहले ही कहा था, पहला यही काम करना है आपको कि सर्कल करके रखना है इसको, ठीक है। 3,40,000, तो देखो इन्वेस्टमेंट, ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी एक्चुअली बी में, 3,40,000 लिखा, लेकिन उसमें से उसने परचेज शेयर्स कितने किए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड 1,60,000। देखो मतलब इन्वेस्टमेंट तो 3,40,000 की, लेकिन शेयर सिर्फ एक्वायर्ड कितने किए, 1,60,000, तो एक्सेस कितना पेड किया उसने, 1,80,000 किया, मतलब पैसे तो लगाए 3,40,000, मतलब कॉस्ट जब उसने पैसे दिए इन्वेस्ट किया तो 3,40,000, लेकिन उसके बदले सिर्फ 16,000 शेयर × 10, देखो 16,000 शेयर × 10, 1,60,000 शेयर्स मिले, है ना। तो थोड़ा ए को बुरा लगा रहे, मैंने तो 3,40,000 इन्वेस्ट किए लेकिन उसके बदले तो मुझे सिर्फ 1,60,000 मिला, तो एक्सेस कितना, ज्यादा कितना पे किया ए ने बी को, 1,80,000। लेकिन और एक एक बात, इसमें कैपिटल प्रॉफिट भी तो उसको मिला है, उसका हिस्सा कैपिटल प्रॉफिट, देखो कैपिटल प्रॉफिट 1,60,000 था टोटल, ये बी का था टोटल, लेकिन उसमें से अब ये कंट्रोलिंग हो गया, ये पेरेंट्स हो गया, तो हमने उसको कितना दिया, 1,32,800, देखो यहाँ पे 1,32,800, तो ठीक है, तो ये 1,32,800 माइनस करो, अंडरस्टूड। अब कितना एक्स्ट्रा पे किया, अब एक्स्ट्रा कितना पे किया, देखो लेट मी क्लियर, ये क्लियर करने दो। ओके, अब एक्स्ट्रा कितना पे किया, 47,200, तो आंसर पॉजिटिव में आया, सो दिस इज कॉल्ड गुडविल। आया समझ में, हमें गुडविल मतलब कंपनी की गुडविल अच्छी थी, गुडविल था इसलिए हमें 47,200 पॉजिटिव आया, अगर निगेटिव आता तो हम ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते, ठीक है। फिर एक बार वीडियो पॉज करो और ये फिर से एक बार नोट समझ लो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब एक्चुअल पैसा कितना कंपनी ने डाला था, 3,40,000, ठीक है, लेकिन उस शेयर्स कितने मिले उसके बदले में, 16,000 10 रुपए के हिसाब से 1,60,000, ठीक है, तो वो माइनस करो, मतलब कितना एक्स्ट्रा पैसा पेड किया है ने बी को, 1,80,000, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पेड किया, उसमें से उसने वसूल भी तो किया कैपिटल प्रॉफिट, 1,32,000 बी से ले लिया ना, 1,32,000, फिर वो माइनस करो, मतलब एक्स्ट्रा कितना पेड किया उसने बी को, 47,200। सो
बी का ये गुडविल है, गुडविल उसका नाम अच्छा था इसलिए इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया। अगर वो कंपनी अच्छी नहीं होती तो इतना 3,40,000 इन्वेस्ट करते क्या वो? अंडरस्टूड? नहीं करते। आई होप आपको ये समझ में आया है। अब ये गुडविल भी हमें कहाँ लिखना है बैलेंस शीट में, ये जो भी हमने वर्किंग नोट की है अब ये हमें सब किधर ट्रांसफर करनी है? कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? बैलेंस शीट डायरेक्ट बनानी है। ओके, देखो फिर एक बार, अब यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया है। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर, देन कैपिटल रेवेन्यू भी हो गया, माइनॉरिटी भी हो गया, ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। देन अनरियलाइज प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं थे, इसकी भी जरूरत है। मैंने पहले लेक्चर को भी कहा था कि पहले 4 से 5 जरूरी होता है, उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन द एडजस्टमेंट, कौन सी एडजस्टमेंट दी है उस हिसाब से हमारे वर्किंग नोट बढ़ेगी। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हमें 4 ही वर्किंग नोट ढूंढना पड़े। तो चलो लेट स्टार्ट। अब बैलेंस शीट बनाते फाइनली जिसको मार्क्स होते हैं। अब ले लो एसेट साइड, अब हमें क्या करना है? कंसोलिडेट मतलब क्या? अब इनकी मिक्स बैलेंस शीट बनानी है हमको, ठीक है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग स्टार्ट विद एसेट। देखो कैसे लिखना है, देखो पहले गुडविल लिख दो, अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया वर्किंग नोट 4, तो पहले गुडविल लिख दो 47,200। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ए लिमिटेड की 1,50,000 और बी लिमिटेड की 1,80,000 प्लस 20,000। क्यों 20,000? तो सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड पहली एडजस्टमेंट देखो आप क्या दिया है उन्होंने कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू 20,000, मतलब वो झूठी वैल्यू थी, फॉल्सी वैल्यू थी। सो लैंड एंड बिल्डिंग तो 20,000 से कम बताई थी, तो अभी तो सही बताना जरूरी है ना, तो 20,000 क्या करना है? ऐड करना है। ओके नेक्स्ट, तो अब कितना हो गई दोनों की बैलेंस शीट मिला के देखो, हो गई, सो इट्स 3,50,000 कंसोलिडेट हमें टोटल करनी है। सेम अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, फिर से प्लांट एंड मशीनरी ए का 2,40,000 और बी का 1,09,400, लेकिन उसमें से 10,000 माइनस करना है क्योंकि अगेन फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो ओवर वैल्यूड हो गई है, ज्यादा बताई है, तो कब बतानी है? सच सच बताना है हमें शेयर होल्डर्स को। तो देखो अंडरस्टूड, नाउ इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लाइन से हम बैलेंस शीट एसेट देख रहे हैं, ठीक है, मुझे हाइलाइटर लेने दो एक बार। तो देखो सो ये इन्वेस्टमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने किया है अभी गुडविल कैलकुलेट करते वक्त, फिर से ये नहीं लिखना है, इसका हमने हिसाब किताब कर दिया है 3,40,000 उसमें से गुडविल माइनस, अंडरस्टूड, फिर गुडविल की अमाउंट मिली, तो इसका आप कुछ नहीं करना है, फॉरगेट अबाउट दैट। नेक्स्ट स्टॉक, तो स्टॉक करो, स्टॉक 1,20,36 है। अच्छा बिल रिसीवेबल पहले लिया है, ठीक है, सो बिल रिसीवेबल देखो, बिल रिसीवेबल में क्या दिया है? एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग 3,000 फ्रॉम बी लिमिटेड, सो बिल रिसीवेबल यही बी का, अगर ये बिल रिसीवेबल है तो ए का बिल्स पेएबल है, अगर ए का बिल्स पेएबल है तो बी का बिल रिसीवेबल है, इंटर कंपनी कहते हैं इसको, तो हमेशा याद रखना इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करना है, तो बिल रिसीवेबल से भी हम 3,000 एक्सक्लूड करेंगे और इधर बिल्स पेएबल से भी हम 3,000 एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, बहुत आर इंटर रिलेटेड। अब तो दोनों एक हो गए हैं, तो क्या तेरा और क्या मेरा? तो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों हम 3,000 3,000 एक दूसरे को पे करने वाले थे, कर दो माइनस, अब उसका कोई थोड़ा तेरा लेना मेरा नहीं है, दोनों एक हो गए हैं, व्हाट इट, अब ओनर एक हो गया है, सो माइनस। चलो नेक्स्ट इसकी अमाउंट लिख दो, देन डेटर्स, अगेन डेटर्स की एडजस्टमेंट भी सेम, देखो नीचे वाली सेकेंड वाली एडजस्टमेंट देखो 12,000 इंक्लूड, फिर से इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड, तो बी लिमिटेड का क्या होगा? डेटर्स होगा, तो डेटर्स में से माइनस करो, सो देखो माइनस, तो यहाँ से अगर हम डेटर्स में से माइनस कर रहे तो लायबिलिटी में हम क्रेडिटर्स से माइनस करेंगे, क्योंकि अब नो रिलेशन, अब ओनर हो गए हैं, एक हो गए हैं, सो नो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ना तेरा ना मेरा, अब हम दोनों तो एक हो गए हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट वन, इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक फटाफट एडजस्ट करो, देन कैश एट बैंक है 14,500 एंड 8,000,
हो गई हमारी असेट साइड बैलेंस शीट, कंसोलिडेट मिक्स किया, प्लस किया, अंडरस्टूड जो एडजस्टमेंट था इंक्लूड वाला, अब माइनस किया है। अब याद रखना, इधर बिल्स रिसीवेबल में से अगर हमने 3000 माइनस किया तो बिल्स पेबल में से भी हमें 3000 माइनस करना है। डेटर्स में से अगर हमने 12000 माइनस किया तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में से 12000 हमें माइनस करना है, ठीक है, ये सब याद रखना है। ओके, चलो नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड में देखो, फिर से इक्विटी शेयर 5 लाख, तो 5 लाख लिखो, 10 रुपीज है। ओके, तो अब आपको सवाल आएगा फिर 2 लाख क्यों नहीं लिखे भैया, क्यों लिखेगी हम 2 लाख, इसका तो बंटवारा पहले ही हो चुका है ना, 16,000 और 4,000, 16,000 हमने कैपिटल प्रॉफिट में गुडविल के वक्त किया, और 4,000 माइनॉरिटी में लिखने वाले हम, तो इसका तो पहला ही बंटवारा हो गया, फिर से 2 लाख नहीं लिखेंगे, ये खत्म हो गए बंटवारे में, ठीक है, तो अब इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट, अब इसका जनरल रिजर्व 2,40,000, ठीक है, तो लिखो जनरल रिजर्व 2,40,000। अब आप बोलोगे इसका ये क्यों नहीं लिखा, तो इसका भी बंटवारा हो चुका है, देख लो आपका वर्किंग का, अपनी वर्किंग नोट दो, उसमें हमने कैपिटल प्रॉफिट में ये 1,20,000 इंक्लूड किए हैं, 36 इंक्लूड किए, तो इनका ऑलरेडी हमने काम तमाम कर दिया है, तो अब ये फिर से बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ठीक है, माइनॉरिटी को वगैरह हमने दे दिया है, देखो फिर से एक बार वर्किंग नोट, तो अब ये नहीं आएगा। हाँ, ये जनरल रिजर्व आएगा 2,40,000, ये इसका हमने कुछ नहीं किया, तो ए का कंटिन्यू रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यू रहेगा इसका, बैंक ओडी भी, ठीक है। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें अमाउंट लिखनी है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 73,200, ठीक है, देख लो अगर पीछे स्लाइड करो या अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आया 73,200, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, देखो एक 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 हमें करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, ए का ही सिर्फ 80,000 है, ए का ही 80,000 है, बी का है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लिख दो। देन बिल्स पेबल भूलो मत, 3,000 माइनस करना है, अगर बिल रिसीवेबल असेट में से 3,000 माइनस तो बिल्स पेबल्स में से भी कंपलसरी 3,000 माइनस, हो गया तेरा मेरा हिसाब खत्म, क्योंकि हम दोनों एक हो चुके हैं, ए एंड बी, याद रखो ये बार बार, ठीक है। सेम अबाउट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी ऐसे ही है, 12,000 हमने डेटर्स में से माइनस किया था, देखो ये एडजस्टमेंट 12,000 वाली, ठीक है, तो यहाँ से भी क्रेडिटर्स में से भूलो मत माइनस करना, डन। सो फिनिश ऑल बैलेंस शीट, देखो सब हमने किया है, सब लिखा है हमने, तो अब बैलेंस शीट टैली करने का वक्त आ गया। ओके, 9,99,900, सो दिस इज आवर बैलेंस शीट, खत्म। सो फिर से ये प्रैक्टिस करो, सेकेंड क्वेश्चन लेकर मैं जल्दी आऊंगी, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।